हेलो गाइस, नमस्कार। मैं राकेश कुमार आपको आपके अपने मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर आपके सामने मैथ्स के अगले टॉपिक परसेंटेज प्रतिशत को लेकर आया हूँ। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन किस तरह के होते हैं और किस तरह से हम लोग उसको आसान ट्रिक से सॉल्व करेंगे। कृपया मैथ्स के आसान ट्रिक को समझें, तथा क्योंकि ये चैप्टर खास करके एसएससी रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन मैथ्स के अदर टॉपिक्स में भी होता है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो लास्ट तक देखें, तथा यदि वीडियो अच्छी लगे तो कृपया अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर लाइक जरूर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बिना देर किए हुए आज के टॉपिक परसेंटेज की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत कहा जाता है, और इसके अगर मीनिंग को समझे तो प्रति मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में, यानी विथ रिस्पेक्ट टू, और सत मतलब होता है 100, यानी जब हम लोग किसी भी क्वांटिटी को 100 के रिस्पेक्ट में शो करते हैं तो उसे प्रतिशत कहा जाता है। जैसे अगर हम 30% कहते हैं, इसका मतलब कि 100 में क्वांटिटी कितनी है, 30 है। अगर कोई 45% कहता है तो इसका मतलब है कि 100 में कितना है, 45 है। अगर हम इसमें और भी चीज अगर समझें, तो अगर कोई परसेंटेज है, जैसे एक्स परसेंट है, अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो प्रतिशत हटा के हम लोग 100 से भाग देंगे। और दूसरी बात जो हम लोग को ध्यान में रखनी है कि अगर कोई फ्रैक्शन है उसको अगर प्रतिशत में चेंज करना हो तो हम लोग 100 से गुणा करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 200 का 40% इज व्हाट, इट मींस इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 200 का मतलब गुणा होता है, ये परसेंटेज है, इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये हो गया 40/100, यानी ये हो गया 40 × 2 = 80। अगर आपसे पूछा जाए कि 2/5 = व्हाट परसेंट, इसका मतलब ये हुआ कि 2/5 और फ्रैक्शन है, इसको अगर प्रतिशत में चेंज करना हो तो 100 से गुणा करते हैं तो 20/25, यानी 20 × 2 हो गया आपका 40%। यानी कि हम लोग ये दो बात जरूर ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले कि अगर परसेंटेज है उसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 100 से भाग देते हैं, अगर कोई फ्रैक्शन है उसको अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से गुणा करते हैं। इसके बाद अगर हम इसके बेसिक क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन इसका ये होता है कि किसी का परसेंटेज हम लोग निकालते कैसे किसी के प्रति। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 200 300 का कितना प्रतिशत है, यानी आपसे ये कहा जा रहा है कि ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, आप इसको ये भी कह सकते हो कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो आप ये कहोगे कि बी में क्वांटिटी ए है इसलिए एक में कितनी होगी, ए बाई बी, इसलिए 100 में कितनी होगी, तो ए बाई बी गुना 100। यानी कि हम ये कहेंगे कि जो जिसका भी परसेंटेज निकालना हो उसमें जिसके प्रति निकालना हो उससे भाग दे करके 100 से गुणा कर दे। जैसे ए का निकालना है बी के प्रति, इसलिए ए में हम लोग बी से भाग देकर उससे उसमें 100 से गुणा करें। इस बात को हम लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, यही बेसिक मेथड होता है किसी का परसेंटेज निकालने का, कि जिसका निकालना है उसमें जिसके प्रति निकालना है उससे भाग दे करके 100 से गुणा करते हैं। अगर ये कहा जाए कि 200 300 का कितना परसेंट है, तो हम ये कहेंगे कि 200 का पूछा जा रहा है 300 के प्रति, इसीलिए 200/300 × 100 करेंगे तो ये आपको 2 0 कट जाएगा, 200/3, यानी दिस इज इक्वल्स टू 66/2/3%, यानी 200 300 का कितना परसेंट है, तो 66/2/3% है। इसी तरह से अगर हम कहें कि
कि लाभ प्रतिशत का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ होता है किसके रिस्पेक्ट में है, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम लोग लाभ में क्रय मूल्य से डिवाइड करके इंटू 100 कर देते हैं, यही बेसिक फॉर्मूला इसी से बना है। अगर हम हानि प्रतिशत निकालते हैं तो हानि भी किसके रिस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, इसलिए हानि बाई कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 कहा जाता है। इसीलिए आप ये कहोगे किसी का भी निकालना हो उसमें जिसके प्रति निकालना हो उसे भाग दे करके 100 से गुणा करते हैं। अब अगर हम इसके ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो उसमें सबसे पहला ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन ये होता है कि जब हम लोग किसी भी दो आदमी के बीच में कंपेयर करते हैं, चाहे कंपैरिजन उसके एज से रिलेटेड हो, चाहे इनकम से हो, चाहे प्रॉपर्टी से हो, किसी भी चीज में अगर दो आदमी के बीच में हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसमें आप ये कहोगे कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, या आपसे कहा जा सकता है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। अगर हम इसको एक जनरल फॉर्मेट दें तो हम ये कहेंगे यदि ए बी से एक्स परसेंट कम या अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा। बच्चों आप लोग इसको यानी इसके ट्रिक को याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, हम लोग ये ध्यान देंगे कि हम लोगों से पूछा क्या गया है, इस बात को हम लोग ध्यान देंगे कि पूछा क्या है, और हम ये भी जानते हैं कि फ्रैक्शन जो होता है वो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, और अगर हमको कमी पूछा जाए यानी प्रतिशत कमी पूछा जा रहा है यानी हमको कम वैल्यू अगर चाहिए तो इस न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे लेकिन डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमको कम वैल्यू चाहिए, बढ़ाना यानी कि प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस हम बस इस न्यूमरेटर को लाके इसमें प्लस कर देंगे और हमको प्रतिशत पूछ रहा है इसलिए 100 से गुणा करेंगे, बस इस बात को ध्यान रखना कि कमी के केस में नीचे प्लस करेंगे। अगर हमसे वृद्धि या अधिक पूछा जाता है तो इस केस में हमको अधिक वैल्यू चाहिए तो नीचे हम लोग माइनस करेंगे यानी न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर में से यही न्यूमरेटर आके माइनस हो जाएगा और इन दो में 100 का, बस इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर कमी पूछा जाए तो नीचे जोड़ना है और अधिक पूछा जाए या वृद्धि पूछा जाए तो नीचे माइनस करना है, इन दो में क्या कर देंगे 100। इसीलिए हम ये कहेंगे कि अगर प्रतिशत कमी पूछा जा रहा है तो आप ये कहोगे कि एक्स परसेंट मीन्स होता है एक्स बाई 100, तो एक्स बाई 100 था ही, अगर कमी चाहिए तो नीचे हम लोग प्लस न्यूमरेटर को जोड़ देंगे इनटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अगर हमको प्रतिशत अधिक पूछा जाएगा मान लीजिए तो उस केस में हम लोग एक्स बाई 100 था ये, अब डिनोमिनेटर में एक्स को लाके माइनस कर देंगे इनटू में 100 कर देंगे, इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है कि प्रतिशत कमी के लिए एक्स बाई 100 प्लस एक्स इंटू 100 और अधिक प्रतिशत अधिक के लिए एक्स बाई 100 माइनस एक्स इंटू 100। अगर हम इसका यूज इसमें करें तो प्रतिशत अधिक पूछ रहा है और हम जानते हैं कि अगर अधिक वैल्यू चाहिए तो नीचे माइनस करना है, ये 20/100 है यानी 20% को हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये 20/100 है, तो 20/100 अधिक चाहिए तो नीचे माइनस करना, तो 100 में से 20 किया अंदर अंदर ही आपने कर लिया 80 इंटू में 100, 200 का 80 यानी 4 से काटा 25 यानी ये कितना परसेंट हो जाएगा 25%। अगर प्रतिशत कमी पूछ रहा है इस क्वेश्चन में तो इस केस में हम लोग ये 40% है, कम वैल्यू चाहिए तो नीचे जोड़ना है यानी कि 40/100 प्लस 40 यानी 140 गुना में 100 कर दिया आपने, यानी ये हो गया आपका 2 × 100 200/7 यानी 7 × 14 6 × 7 = 56 28/7%, यानी कि जैसा कि आप देख रहे होगे बच्चों कि बहुत ही इजी ट्रिक है
और इससे हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को जहां भी दो आदमी के बीच में कंपेयर किया जाता है। इसके अलावा इस सेम ट्रिक का एप्लीकेशन और भी जगह या और भी टाइप के क्वेश्चंस में होता है, और वो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसका भी हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें इसी ट्रिक को यूज करके हम लोग उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं उसका एक एक एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आप एक ट्रिक से कम 3-4-5 क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लू इसके अलावा, तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर आते हैं कि यदि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि या कमी हो जाए, देखो बच्चों मैं दो क्वेश्चन एक में ही ले रहा हूँ, ध्यान दीजिए, हो जाए तो कोई आदमी उसकी खपत में कितने प्रतिशत की अगर वृद्धि हुआ होगा तो कमी पूछेगा आपसे, अगर कमी हुआ होगा तो वृद्धि पूछेगा, वृद्धि करे ताकि खर्च समान रहे। तो इस क्वेश्चन में भी आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग उसी ट्रिक से करेंगे जो हमने अभी अभी सीखा है, कि अगर हमसे प्रतिशत कमी पूछा जा रहा है तो प्रतिशत कमी के केस में नीचे हम लोग जोड़ते हैं, यानी सीधा सी बात है 30% है 30/100 है, तो 30/100 + 30 यानी 130 × 100 यानी ये हो गया आपका 300/13% हो जाएगा। अगर आपसे प्रतिशत वृद्धि के केस में, यानी अगर हमसे वृद्धि पूछा जाता है तो वृद्धि के केस में नीचे माइनस करेंगे, यानी 30/100 है ये, 100 में से 30 गया तो बच गया 70 × 100 यानी ये हो गया 300/7%। यानी यही सेम ट्रिक का यूज हम लोग इस टाइप के भी क्वेश्चंस में कर लेते हैं जिसमें हमको एक क्वांटिटी यानी खर्च को सेम रखना है, और आपका अगर मूल्य बढ़ गया है तो उसकी खपत में कमी करनी पड़ेगी, अगर मूल्य कम हुआ है तो खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी ताकि हमको खर्च क्या रहे समान रहे। इसके अलावा इस सेम ट्रिक का यूज मेंसुरेशन के भी क्वेश्चंस में होते हैं, चतुर्विधि के भी क्वेश्चन में होते हैं, जिसमें आपको कोई रेक्टेंगल होगा चाहे कोई ट्रायंगल होगा उसके किसी एक साइड को बढ़ा रहा होगा और दूसरे साइड में आपसे कमी पूछ रहा होगा, और या पहले साइड को कम कर रहा होगा दूसरे साइड में वृद्धि पूछ रहा होगा ताकि उसका क्या हो जाए क्षेत्रफल को समान रखा जाए। जैसे अगर क्वेश्चन कहा जाता कि यदि एक आयत की लंबाई में 40% की कमी या वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी करें, क्योंकि अगर आप कमी करोगे लंबाई में तो चौड़ाई में वृद्धि करना पड़ेगा, अगर लंबाई में वृद्धि करोगे तो चौड़ाई में कमी करना पड़ेगा, कमी करें ताकि खर्च ताकि क्षेत्रफल समान या पूर्ववत ताकि क्षेत्रफल समान या चेंज ना हो पूर्ववत रहे। तो इसमें भी आपको वही ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा क्या है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा वृद्धि, अगर हमसे वृद्धि पूछा जाता है या अधिक पूछा जाता है तो नीचे माइनस करते हैं, ये बेसिकली 40% मतलब 40/100 है, तो 40/100 में से 40 क्या बच गया 60 × 100 यानी 20 × 40 = 60 यानी 200/3% हो जाए। अगर आपसे कमी पूछा गया होता तो कमी के केस में नीचे प्लस करोगे आप लोग, यानी 40/100 + 40 यानी 140 × 100 20 × 40 = 140 यानी 200/7% हो जाए। यानी इस टाइप के भी क्वेश्चंस को आप लोग उसी ट्रिक पे करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल को समान रखना है तो एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे में कितना कमी करेंगे, या कह देगा एक को आपने कम कर दिया तो दूसरे में कितना वृद्धि करेंगे ताकि क्षेत्रफल समान रहे। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हम लोग इसी ट्रिक का यूज करेंगे कि अगर हमसे पूछा जाए कि वृद्धि क्या है तो नीचे माइनस करना है, अगर कमी क्या है तो नीचे प्लस करना है, इस चीज को हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे। भी इस ट्रिक का यूज होता है कि जिसमें अगर आपको ये कह दिया जाए कि एक संख्या थी उस संख्या को हमने कुछ परसेंट बढ़ा दिया, अब हमको फिर पुनः वही संख्या चाहिए, प्रारंभिक संख्या चाहिए,
अब बड़ी हुई संख्या को कितना परसेंट कम करेंगे, यानी आप ये कहोगे अगर क्वेश्चन कह दिया जाता है कि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो बड़ी संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि पूर्ववत संख्या प्राप्त हो। देखो इस क्वेश्चन के लिए भी हम लोग वही ट्रिक यूज करेंगे। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कमी दे देता वृद्धि पूछ रहा होता, या वृद्धि दिया है इसमें कमी पूछ रहा, तो बस ये ध्यान में रखेंगे कमी पूछा जा रहा है तो कमी के केस में नीचे प्लस करते हैं हम लोग, यानी 25% है तो क्या होगा 25/100+25 यानी 125 × 100। देखिए 25 × 50 = 120, 50 यानी कितने परसेंट की कमी करना पड़ेगा, तो आपको देखिए 20%। तो देखो बच्चों आपने ये देखा कि एक ट्रिक से हमने अभी आपको चार तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किए, जिसमें पहला टाइप का क्वेश्चन था कि जब हम लोग दो आदमी के बीच में कंपेयर करते हैं, दूसरा हमने कहा कि किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस अगर बढ़ गया, किसी सामान का दाम अगर बढ़ गया तो उसके खपत में कितना परसेंट की कमी करें ताकि खर्च समान रहे। तीसरा मेंसुरेशन में इसी ट्रिक पर देखा हमने कि किसी एक रेक्टेंगल की एक भुजा बढ़ा ली गई थी, दूसरे में कितने परसेंट की कमी करें ताकि क्षेत्रफल वही रहे। तीसरा हमने देखा कि एक संख्या है उसको हमने बढ़ाया, फिर उसमें कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि हमको वही पूर्ववत संख्या मिल जाए। तो बस इस क्वेश्चन के लिए आपको यही ध्यान में रखना है कि जिसमें आपको अगर वृद्धि पूछा जाएगा तो नीचे माइनस करोगे, अगर कमी पूछा जाएगा तो नीचे प्लस करोगे, बस इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम दूसरे टाइप के ट्रिक के बेस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा टाइप का भी क्वेश्चन लगभग 4 से 5 जगह यूज होते हैं, 4-5 टाइप के क्वेश्चन में यूज होता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये है कि अगर आप ये कहते हो कि एक तीसरी क्वांटिटी है जो दो क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, तो अगर मैं पहले को भी चेंज करूं, इसमें भी चेंज करूं, तो इस तीसरे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसकी बात करें। जैसे अगर मैं कहता हूं कि किसी का भी 2-डायमेंशनल फिगर का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका उसके एक्स एक्सिस यानी लंबाई कह लीजिए और चौड़ाई पर डिपेंड करता है, यानी कि एक्स एक्सिस पे और उसके वाई एक्सिस पर डिपेंड करता है। यानी हम ये अगर कहें कि एक आयत है उसकी लंबाई 10% बढ़ा दिया, चौड़ाई 20% बढ़ा दिया, बताइए क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, ऐसा कुछ। अगर हम कहें कि किसी आदमी का जो खर्च है वो डिपेंड करता है कि सामान के मूल्य में क्या हुआ और उस मूल्य की वजह से उसने उसके खपत पर क्या किया, इस पर डिपेंड करता है कि उस आदमी के खर्च पर क्या प्रभाव पड़े। जैसे आपसे क्वेश्चन कर देता है कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई, एक आदमी उसके खपत में 10% की कमी कर दिया, अब बताइए उसके खर्च में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। या आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि एक दुकानदार का जो कुल आय है में परिवर्तन जो है वो डिपेंड करता है तो उसने सामान के मूल्य में क्या किया और उस मूल्य की वजह से उसके बिक्री पर क्या इफेक्ट पड़ा है, यानी कि कुल आय में परिवर्तन जो है वो डिपेंड करता है कि सामान के मूल्य में क्या हुआ और उसकी वजह से उसके बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर डिपेंड करेगा कि दुकानदार के आय में कितना परिवर्तन हुआ। इसके अलावा किसी एक संख्या है उसको अगर हमने पहले कुछ परसेंट बढ़ा दिया, फिर बढ़ी हुई संख्या में 10% या कुछ परसेंट की कमी कर दिया, ये जो अंतिम संख्या है वो प्रारंभिक संख्या से कितना परसेंट कम या अधिक होगा उस पर डिपेंड करेगा कि पहले आपने किया क्या, फिर बाद में आपने क्या किया। या इसके अलावा कि किसी दुकानदार का कुल लाभ जो है वो डिपेंड करता है कि उसने खरीदते समय क्या किया और बेचते समय क्या किया। तो इन सब क्वेश्चन के लिए आप एक ही ट्रिक यूज करोगे और वो ये ट्रिक होगा कि अगर मैं ये कहता हूं कि फर्स्ट क्वांटिटी में आपने एक्स परसेंट की वृद्धि कर दी और सेकेंड क्वांटिटी में आपने अगर वाई परसेंट की वृद्धि कर दिया तो थर्ड में प्रतिशत वृद्धि जो होगा दैट इज इक्वल टू, आप ये कहोगे
कि आपको करना है ये एक्स और वाई को सिर्फ पकड़ लेना है, इस दोनों को एक बार जोड़ देंगे, फिर प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 कर देंगे। तो ये बस ध्यान में रखेंगे कि इसका जो तीसरे या इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालने का जो तरीका होता है, आप ये कहोगे कि दोनों को एक बार जोड़ लेना है, फिर प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 करना है। इसी को बस ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको चेंज करते जाएंगे, और चेंज इस तरह से करेंगे कि अगर कमी हो रहा है तो उसकी वैल्यू को माइनस में लेंगे, अगर वृद्धि हो रहा है क्वेश्चन में तो उसकी वैल्यू को हम लोग प्लस में लेंगे। यानी आप दूसरी सिचुएशन को ये कह सकते हो कि अगर हमने फर्स्ट में एक्स परसेंट की वृद्धि कर दिया, लेकिन सेकेंड में अगर हमने वाई परसेंट की कमी कर दी, तो अब इसमें थर्ड में हो सकता है कि वृद्धि हो या कमी हो, वो डिपेंड करेगा कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। हम क्या करेंगे, सिर्फ वृद्धि है तो एक्स वृद्धि है इसलिए इसकी वैल्यू प्लस मिलेंगे, ये वाई परसेंट कमी है तो इसकी वैल्यू माइनस मिलेंगे, यानी एक्स माइनस वाई, अब माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100, क्योंकि यहाँ पे आप माइनस लोगे तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तीसरा भी इसका तीसरा सिचुएशन हो सकता है कि अगर फर्स्ट में अगर हमने एक्स परसेंट की कमी कर दी, लेकिन सेकेंड क्वांटिटी में अगर हमने वाई परसेंट की वृद्धि कर दिया, तो थर्ड में जो प्रतिशत वृद्धि या कमी है, दैट इज इक्वल टू, आप ये कहोगे कि अब ये कमी है इसलिए ये माइनस हो जाएगा, ये वृद्धि है तो ये प्लस होगा, फिर माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100 होगा। यानी आप ये ध्यान रखना कि वृद्धि है तो उसकी वैल्यू प्लस मिलेंगे, अगर कमी है तो उसकी वैल्यू माइनस मिलेंगे, और इस दोनों सिचुएशन में अगर आंसर आपका प्लस में आता है, इसका मतलब तीसरी क्वांटिटी में वृद्धि है, अगर आंसर माइनस में आता है तो इसका मतलब तीसरी क्वांटिटी में कमी है, माइनस सो ये करेगा कि उसकी कमी है, वो गलत नहीं है, माइनस सो करता है, माइनस साइन ओनली शोज की उस तीसरी क्वांटिटी में आपकी क्या हो गई, कमी। आप इसकी चौथी सिचुएशन भी कह सकते हो कि अगर फर्स्ट क्वांटिटी में हमने एक्स परसेंट की कमी कर दी, लेकिन सेकेंड क्वांटिटी में अगर हमने वाई परसेंट की कमी कर दी, तो अब थर्ड में डेफिनेटली क्या होगा, कमी हो, एंड दैट इज बिकॉज टू, आप ये कहोगे कि ये भी माइनस एक्स है, माइनस वाई है, और माइनस एक्स इंटू माइनस वाई, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक्स इंटू वाई बाई 100, और इसका आंसर ऑलवेज नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप जानते हो कि ये क्या है, कमी, तो कमी का आंसर नेगेटिव आएगा, इसीलिए हम लोग माइनस साइन को अगर कॉमन ले लें तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, और ये माइनस साइन ये कहेगा कि कमी है, इसीलिए हम इसमें कह देते हैं कि थर्ड में जो प्रतिशत कमी होगा, दैट इज एक बार दोनों को जोड़ देंगे, माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100 करते हैं, और यही सेम फॉर्मूला आप लोग इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालने में भी करते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट परसेंटेज जो है समतुल्य बट्टा जो है, समतुल्य डिस्काउंट बट्टा, वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट डिस्काउंट कितना है और सेकेंड डिस्काउंट कितना है, और दुकानदार आपको डिस्काउंट पहले दे रहा है, वो पहले आपसे कुछ नहीं लेता, पहले वो डिस्काउंट दे रहा है, भले उसको प्रॉफिट या लॉस हो, इसीलिए हम कहते हैं कि डिस्काउंट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, यानी कि ये भी नेगेटिव, यानी दोनों नेगेटिव है, इसलिए ये जो केस बनेगा इसका फोर सिचुएशन बनेगा, इसलिए इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालने का भी यही फॉर्मूला होता है कि एक्स प्लस वाई, यानी एक बार दोनों परसेंटेज को जोड़ दीजिए, माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। अगर मैं ये कहता हूँ 20% प्लस 30% के सीरियल डिस्काउंट का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, तो आप ये कहोगे कि अगर हमको इसका समतुल्य बट्टा निकालना है, तो सीधा सी बात है, दोनों को जोड़ देंगे, ये वाली केस हो गया, ये फोर्थ वाली केस, 30 और 20 हो गया 50, माइनस 30 इंटू 20 बटे में 100, तो ये कट गया 3 × 6, यानी 50 में से 6 गया, यानी 44%। तो बच्चों आज हमने दो ट्रिक को सीखा, और दोनों ट्रिक पे काफी क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किए, यानी काफी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने को देखा हमने, तो इसमें आप परसेंटेज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपने ये देखा कि फर्स्ट ट्रिक से हमने 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, और जो सेकंड ट्रिक देखा हमने, इसमें भी हमें लगभग आप देख रहे होंगे कि 6 टाइप के क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं, तो आप लोगों से अनुरोध यही है, कृपया ट्रिक को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सीखें, और इसके याद करने के तरीका पे जरूर ध्यान दें कि आपको किस तरह से याद रखना। करते हैं बच्चे,
आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।